मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वीट रेसिपी यानी स्वीट डिश की रेसिपी, और इसको बनाना बेहद ही ज्यादा आसान है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एप्पल, तो आप इस तरीके के एप्पल ले सकते हैं। तो ये मैंने दो लिए हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें और इसको कट कर लें। तो पहले एप्पल को आप इस तरीके से कट कर लें, यानी छिलका नहीं निकालना है हमें, और इस बड़े बड़े पीस में हमें कट कर लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके बाद मैंने ले लिए जार, तो जार के अंदर हम डाल देंगे एप्पल। तो अच्छी तरीके से इनको वॉश कर लें और कट कर लें। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे दूध, तो ये मैंने एक कप लिया है। फिर इसका हम कर देंगे ढक्कन बंद और इसको हम बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका, यानी पीस लेंगे। फिर उसके बाद ले ली मैंने कढ़ाई, कढ़ाई के ऊपर रख दी मैंने छलनी, जो हमने एप्पल ये पीसे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम छान लेंगे अच्छी तरीके से। जो भी ये मोटा मोटा है एप्पल का वो हम निकाल देंगे। तो एप्पल का जूस बोल सकते हैं या शेक को मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। फिर उसके बाद इसके अंदर आधा कप मिल्क और मिला देंगे और गैस को ऑन करते हुए इसके अंदर एक बॉइल आने देंगे। तो इसके अंदर बॉयल आ चुका है, तब इसके बाद हम डाल देंगे चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा, मैंने 3 बड़े चम्मच ली है। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स होने देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे दालचीनी का पाउडर, यानी 1 पिंच ही डाला जाता है। जब भी हम कोई भी एप्पल की डिश बनाते हैं या रेसिपी बनाते हैं तो उसके अंदर दालचीनी का प्रयोग जरूर होता है, तो आप ये जरूर डाल दें इसके अंदर, इससे इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। अब हम चीनी को इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी हमारी अच्छी तरीके से घुल चुकी है, तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे, आप कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं या आप अरारोट ले सकते हैं। तो ये मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है केसर इलायची वाला, वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे और इसको चलाते हुए जाएंगे, एक साथ आप ना डालें। तब इसके अंदर हम ये सारा डाल देंगे और इसको हम चलाते हुए गाढ़ा होने देंगे। तो ये गाढ़ा हो चुका है। अगर आप कस्टर्ड पाउडर केसर इलायची वाला यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसके अंदर केसर और इलायची डाल सकते हैं अगर आपको डालनी है, और कस्टर्ड पाउडर की जगह आप कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं। तो ये गाढ़ा हो गया, तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दूंगी और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये ले लिया मैंने फ्राई पैन और ये लिए एप्पल। तो ये मैंने दूसरा एप्पल लिया है जिसका मैंने छिलका हटा लिया, छोटे छोटे पीस में कट कर दिया है। तो ये हम फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। तो ये मैंने एक ही एप्पल लिया है। फिर उसके बाद हम डाल देंगे चीनी, तो ये मैंने 1 चम्मच ली है। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे मक्खन, तो मक्खन भी मैंने 1 चम्मच लिया है। और इसको थोड़ा सा हम सौदे कर लेंगे। तो ये अच्छी तरीके से बन चुके हैं, तो अब इसको रखती हूँ मैं साइड में और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये ले लिया मैंने ग्लास, तो ग्लास के अंदर जो हमने एप्पल का शेक बनाकर तैयार करा था वो हम इसके अंदर भर देंगे, पर हमें इसको हाफ भरना है। तो ये दोनों ग्लासों में मैंने एप्पल का शेक भर दिया है जो हमने बनाकर तैयार करा था। अब जो एप्पल हम सौदे करे थे वो हम ऊपर से डाल देंगे। तो एप्पलों को मैंने ऊपर से डाल दिया है, तो एप्पल डिलाइट बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।